दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए फिर से एक नई भर्ती लेकर आया हूँ। भर्ती देखने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आर पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आयुष्मान मित्र का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, परंतु उसका अभी रजिस्ट्रेशन कुछ सर्वर की वजह से बंद है। इसलिए जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन चालू होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। मैंने करके भी देखा था मेरा खुद का, पर मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैंने नहीं बना पाया, क्योंकि मैं चेक कर रहा था और अब दूसरे का बनाने जा रहा हूँ तो वहाँ पर सर्वर डाउन है और उसका भी ऑप्शन हटा दिया गया है। इसलिए जैसे ही चालू होता है मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। आज मैं बताने वाला हूँ, आज बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती निकली है, तो यहाँ पर हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक C2CPI 88 सत्र 2023-24 के लिए अंशकालीन अनुबंध पूर्णता स्थायी के आधार पर निम्नलिखित पद पर नियुक्ति की जा रही है। पहला आपको पदनाम दिख रहा है कि PGT अंग्रेजी हिंदी गणित भौतिकी विज्ञान रसायन कंप्यूटर विज्ञान अर्थशास्त्र इतिहास कॉमर्स राजनीति भूगोल के लिए टीचर की जरूरत है और यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी हिंदी गणित विज्ञान समाज विज्ञान अध्ययन। दूसरा प्राथमिक शिक्षक की है, चौथा कंप्यूटर आपको देख रहा होगा, स्पेशल एजुकेटर की है, छठवीं नर्स की है, सातवीं काउंसलर की है, आठवीं प्रशिक्षक योगा की है और नौवीं प्रशिक्षक IT एजुकेशन की है और दसवीं खेलकूद प्रशिक्षक खेलकूद की। तो यहाँ पर सभी हमारे काम की तो सिर्फ इसमें एक ही भर्ती यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर आपके काम की दूसरी भर्ती भी हो तो उसे ज़रूर देखिएगा। अगर ये नोटिफिकेशन आपको देखना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए और हमें नोटिफिकेशन हाई लिंक कर सेंड कर दीजिए ताकि हम ये नोटिफिकेशन आपको सेंड कर सके। यहाँ पर हम चौथी वैकेंसी देखते हैं कंप्यूटर प्रशिक्षक की। इसमें बस PGDCA BCA अथवा समकक्ष दोनों में से एक कोई भी आपके पास होना जरूरी है। अब या तो आपके पास PGDCA हो या फिर BCA हो, ठीक है। अगर आपके पास है तो यहाँ पर इसका पंजीयन प्रातः 8 बजे से लेकर 10 बजे तक स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप ज़रूर से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए यहाँ पर और प्राथमिक शिक्षक के लिए आपके पास 26/6/23 तक का समय है यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है दोस्तों, ज़रूर से इसमें आवेदन करिएगा। बाकी आपको अगर आपके काम की और कोई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारे काम की तो बस एक ही थी। नोट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आयु सीमा 18 से 65 वर्ष होना चाहिए, मध्य अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यमों में अध्ययन से निपुण अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं, उम्मीदवार को मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी स्व छायापति रंगीन फोटो कापी साइज फोटो सहित स्वयं के खर्चे पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। उक्त पद पर अंशकालीन अनुबंध आधार पर है तथा वे भविष्य में किसी प्रकार से नियमित का दावा नहीं कर सकेंगे। विद्यालय में आवश्यकता अनुसार चयन उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। चयन उपरांत नियमित नियुक्त उम्मीदवार की सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है। चयनित उम्मीदवार को अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराकर विद्यालय में जमा कराना होगा रहेगा। अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी को सत्यापन है तो सभी वर्षों के सेमेस्टर की मूल अंक सूची एवं उनकी छाया प्रति का एक सेट साथ में लाना होगा। परीक्षा परिणाम प्रतीक्षा अति अभ्यर्थी आवेदन नंबर करें न करें अभ्यर्थी साक्षात्कार इसको आने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वे संबंधित पदे तो आवश्यक क्वालिफिकेशन रखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी COVID-19 के लिए शासकीय निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। विद्यालय में थर्मल स्कैनिंग इत्यादि की जांच में फेल होने पर विद्यार्थी परिसर में प्रवेश वर्जित होगा। साक्षात्कार की तिथि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन आ सकता है तो साक्षात्कार हेतु आने से पूर्व इस सूचना को भली बात देख लें एवं सुनिश्चित होकर ही यात्रा आरंभ करें। उक्त पदे के लिए निम्न वेतन एवं शर्त केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार लागू होगी। पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अनाउंसमेंट का अवलोकन करें, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ पर अनाउंसमेंट के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी कि साक्षात्कार की डेट क्या है कब नहीं है। तो दोस्तों ज़रूर से इसमें आपको कोई आवेदन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है कि 27 तारीख को केंद्रीय विद्यालय में चल जाना है, या फिर आप कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 26 तारीख को चल जाना है। पंजीयन समय रहेगा प्रातः 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो इसमें आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसी दिन आपकी ले ली जाएगी क्या साक्षरता, मतलब आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस देखने को मिल ही रहा होगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई तो जरूर करिएगा, क्योंकि PGDCA और DCA अधिकतर सभी के पास है, इसलिए ज़रूर से आप अप्लाई कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आप पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।